हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमिता और अमिता मोदी किचन में आपका स्वागत है। चाट का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है ना फ्रेंड। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, पानी पूरी या फिर फुल्की, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया एकदम फूले फूले कुरकुरे मज़ेदार हमारे ये गोलगप्पे बने हुए हैं, और वो भी सिर्फ आटे से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 3 कप आटा लिया हुआ है और इसमें हम ये स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे, और इसके बाद इसमें हम ये 1/2 कटोरी सूजी मिलाएंगे। सूजी हम इसलिए मिलाएंगे क्योंकि इसे मिलाने से हमारे गोलगप्पे कुरकुरे बनेंगे। इसमें हमने बारीक सूजी मिलाई हुई है। यदि आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसे मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे तो ये बारीक हो जाएगी। हम एकदम इसका पाउडर नहीं बना, बस हल्का सा ही इसे मिक्सी में चलाना है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक आटा गूंथ लेंगे। इसका आटा हमें पूड़ी जैसा गूंथना है, एकदम टाइट या नरम आटा इसका हमें नहीं गूंथना है। देखिए इस तरीके से हमारा ये आटा गूंथ गया है और इसे हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये इसकी सूजी जो इसमें हमने डाली थी वो अच्छे से इसमें फूल जाएगी और हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने ये 1 कप हरी मटर ली हुई है और इसे हम 2 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे, जिससे हमारी मटर अच्छे से फूल जाएगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख सकते थे, लेकिन आज मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए भिगोया है। देखिए ये कितनी अच्छे से फूल गई है। इसके बाद हम इसे कुकर में उबाल लेंगे। हमें 4-5 सीटी ही लेनी है। 4 से 5 सीटी में अच्छी तरीके से हमारे मटर कुक हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें ये 1 आलू मिलाया हुआ है, जो बाज़ार में फुल्कियाँ मिलती हुई ना, वो मटर के साथ आलू को उबाल लेते हैं जिसमें इसमें अच्छी थिकनेस आ जाती है और अच्छा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें ये 1 आलू भी मिला देंगे और ये थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी इसमें डाल के उबाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 5 से 7 मिनट में ही हमारे ये मटर बनके तैयार हो जाएंगे। अब देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसकी थोड़ी सी नींबू के साइज से थोड़ी सी और बड़ी लोई इसकी बना लेंगे और थोड़ी सी आटे की डस्ट करके इसे पील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। हमें ना ज़्यादा इसको पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा इसे मोटा बेलना है। यदि हम पतली बेलेंगे तो ये बाद में सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए हमें एकदम पतली अपनी पानी पूरी तैयार नहीं करनी है। देखिए इस तरीके से हमने पूरा बेल लिया। अब ये मैंने एक कटोरी ली है, इसी की साइज की हम गोल गोल इसको काटेंगे। आप चाहें तो कोई भी साइज की कटोरी या ढक्कन कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से सारी बन गई है। फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि जब हम पानी पूरी बनाते हैं तो उसे डायरेक्ट थाली में नहीं रखना है। इसके लिए हमें कपड़ा गीला करके ही इसके ऊपर रखना है क्योंकि इसमें नमी होनी चाहिए। यदि इसके ऊपर की परत कड़क हो जाएगी तो हमारी फुल्की कभी नहीं फूलेंगी, इसलिए ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको अपनी पानी पूरी हमेशा फूली हुई और कुरकुरी चाहिए तो ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए। इसके बाद हमारा तेल भी गर्म हो गया और इसमें हम एक एक करके अपनी फुल्की को डाल के प्रेस करके फुलो लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कितनी बढ़िया फूल रही है ये फुल्कियाँ, और एक एक करके ही हमें अपनी फुल्कियों को मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। हमें अपनी गैस की फ्लेम तेज़ नहीं करना है और ना ही हमें लो फ्लेम पे नहीं तलना, मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे। अगर थोड़ी सी भी यदि तेज गैस की फ्लेम होगी तो ये पहले तो फूल जाएंगी, उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए हमें अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। ये देखिए सारी फुल्कियाँ हमारी कितनी बढ़िया फूल रही हैं, और ये कितनी देर बाद भी हम खाएंगे ये हमेशा कुरकुरी ही बनी रहेंगी, ये सॉफ्ट नहीं होंगी। ये देखिए हमारी फुल्कियाँ भी अच्छे से तल गई हैं और ये इनमें ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी फुल्कियों को तल लेंगे। इसके बाद ये देखिए हमारा मटर भी अच्छे से उबल गया है, ये अच्छे से कुक हो गया है। इसमें जो आलू थे उसको हम मैसर से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसका पानी बनाते हैं फुल्की का। इसके लिए हमने ये 2 हरी मिर्च ली हुई हैं, थोड़ी सी धनिया पत्ती, काला नमक 1 चम्मच
और ये चाट मसाला, और इसमें हम आधा चम्मच के बराबर ही काली मिर्च पाउडर और आधा नींबू मिला देंगे और इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए इसका एक पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें हम आवश्यकता के अनुसार पानी मिला देंगे तो ये हमारा फुल्की का पानी तैयार हो जाएगा। मेरे पास ये थोड़ी सी नमकीन बूंदी थी तो इसको भी हम इसमें मिला देंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। और ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में भी ये फुल्की का पानी बहुत ही अच्छा लगता है ये नमकीन बूंदी मिलाने से। देखिए अब हमारा फुल्की का पानी भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके बाद चलते हैं अपनी। देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया कुरकुरी हमारी फुल्की बनी हुई है। ये आलू का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में हमारी फुल्कियाँ, एकदम कुरकुरी मज़ेदार सफ़ेद एकदम आटे से बनी हुई हमारी फुल्कियाँ। ये इसका पानी भी तैयार हो गया है और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अब देखिए फ्रेंड कितनी बढ़िया हमारी फुल्की बनी हुई है और इसे जैसे देखने में अच्छी लग रही है फ्रेंड उतनी ही ये खाने में भी अच्छी लगेंगी। फ्रेंड यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।